हेलो सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस 9RT न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। साथ ही इस स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर कब और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा एंड ये स्मार्टफोन हमारे लिए क्या क्या स्पेशल फीचर्स लेकर आने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। भाई सब्सक्राइब नहीं करे तो इस बार जरूर सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के मेन हाईलाइट की तो वो है इसका चिपसेट। इसी स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, जिसमें आप काफी हैवी गेम को बहुत इजीली रन कर पाएंगे, वो भी इस चिपसेट की वजह से। फ्रंट में आपको पंचोल शेल में 6.62 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट साथ आता है, जिससे आपकी डिस्प्ले परफॉर्मेंस काफी स्मूथ हो जाती है। बात करें बैक डिजाइन की तो यहाँ हमको स्टील का बैक देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ हमको ट्रिपल क्वाड कैमरा सेट देखने को मिलता है, जिसमें 3 कैमरे लगे होंगे। इसका मेन कैमरा 50 MP का प्राइमरी कैमरा, दूसरा 16 MP का वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड कैमरा, तीसरा 2 MP का माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप काफी हद तक एक अच्छी फोटो एंड वीडियो क्वालिटी शूट कर पाएंगे। फ्रंट में हमको पंचोल स्टाइल में 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप काफी हद तक अच्छी सेल्फी निकाल पाएंगे। इसी स्मार्टफोन में एंड्रॉइड B12 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि UI कॉलर्स OS पर काम करेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के स्टोरेज वेरियंट की तो ये स्मार्टफोन 3 स्टोरेज वेरियंट के अंदर आएगा, जिसका पहला वेरियंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज होगा, दूसरा वेरियंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज होगा और तीसरा वेरियंट 8GB रैम 256GB होगा। ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होगा। इसी स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 4500mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। 65W का फास्ट चार्जर अल्ट्रा साथ आएगा, जो आपकी बैटरी को 39 मिनट में 0-100% चार्ज करेगा। साथ ही USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आपकी चार्जिंग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बात करें फिंगर सेंसर की तो यहाँ हमको डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जिससे आपकी डिस्प्ले काफी अट्रैक्टिव लगती है। बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट और प्राइस की तो ये स्मार्टफोन 40,000 के अंदर आएगा। और बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की तो ये स्मार्टफोन फिलहाल चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, आने वाले नवंबर के नेक्स्ट मंथ में ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। गाइस इस स्मार्टफोन में हमको एक तगड़ा गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है, बैटरी भी काफी अच्छी मिल जाती है। इस बार यहाँ हमको कैमरा क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं मिलने वाली, यहाँ हमको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है। गाइस अगर इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स को इस स्मार्टफोन के प्राइस से कंपेयर करें तो यहाँ हमको काफी अच्छे प्राइस के अंदर काफी अच्छे और तगड़े स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं। गाइस अगर आप भी ऐसे तगड़े फीचर्स वाले स्मार्टफोनों को लेकर काफी एक्साइटेड हो या वन प्लस सीरीज के किसी स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड हो तो आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको कम बजट के अंदर काफी अच्छे और तगड़े स्पेशल फीचर्स वाले नॉर्मल स्मार्टफोन चाहिए, उन्हीं स्मार्टफोनों के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया, उन वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन बटन पर दे दूंगा, आप वहां जाकर एक बार चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। गाइस अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।